अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसे हैं आप? क्या हुआ, पहचाना नहीं? मैं आपकी बेटी आलिया, कुछ याद आया? कुछ साल पहले तक आप अपने जायज़ बीवी बच्चों से फुर्सत ले हम माँ बेटी के गरीब खाने चक्कर लगाने आ जाया करते थे। मेरे लिए गुब्बारे खरीदने की फुर्सत नहीं थी शायद आपको, इसलिए 2-4 रुपए पकड़ा कर अपने बाप होने का फर्ज आप साद आफरीन पूरा कर देते थे। नहीं, क्या याद है आपको कैसे अक्सर आप अम्मी को कहा करते थे कि इसका नाम आफरीन गलत रख दिया है तुमने, इसका नाम तो आलिया होना चाहिए था। मगरूरत देखिए इस चुटंकी की है? और जब मैं फटर फटर अंग्रेजी में पड़ोसियों से बात कर रही होती थी तो कैसे आप अपने मस्खरे अंदाज में मुझे चिढ़ाते हुए कहते थे कि आई वॉक इन इंग्लिश, आई टॉक इन इंग्लिश, आई लाफ इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। और मैं हर बार उतनी जोर से हंसती थी, पता है अब क्यों? क्योंकि आप हीरो थे मेरे। क्या याद है आपको कैसे तलाक 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 बोल हल्के से आप इस बेबुनियादी रिश्ते से निकल गए थे और अम्मी ने भी नई शादी कर ली थी। नए अब्बा बड़े अच्छे थे, मुझे रोज चॉकलेट्स देते थे, अम्मी को भी बहुत खुश रखते थे, पर मैं दिल ही दिल आपको रोज याद करती थी अब्बा, पता है क्यों? क्योंकि आप हीरो थे मेरे। यकीन था मुझे कि ख्वाब में भी याद करूंगी ना तो फट से आ जाएंगे आप मेरे पास। पर हुआ कुछ यूं कि बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर होने वाले फिक्रे को बड़ा सीरियसली ले लिया था आपने। खैर, ये सब तो पुरानी बातें हैं, पर क्या याद है आपको वो रात जिस रात अम्मी मुझे नए अब्बा के साथ अकेला छोड़ लखनऊ किसी काम से चली गई थी और मैं सो रही थी अपने कमरे में मच्छरदानी के अंदर? आपको तो पता है ना मच्छर बर्दाश्त नहीं होते मुझसे। पर क्या याद है आपको कैसे मुझे घर में अकेला पाकर वो हल्के से मच्छरदानी उठाकर मेरे बिस्तर में घुस गया था? मैं सो रही थी अब्बा, सच में अचानक से कुछ महसूस हुआ मुझे, एक हाथ मेरी कमर पर था, दूसरा हाथ मेरे बालों में, वो अपने भद्दे होंठों से मेरे जिस्म पर कुछ कर रहा था, मानो सूंघ रहा था अपने नए शिकार को। उसकी लंबी उंगलियां उन जोंक की तरह थी जो हट जाने के बाद भी अपने निशान छोड़ जाती। ओले मिला बच्चा, एक दफा मुझे लगा आप हैं ख्वाब से निकल कर मेरे पास। पर क्या याद है आपको मेरी आंख खुल गई थी और वो आप नहीं थे, नए वाले अब्बा थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी शलवार सरकार रहे थे और जो गहराइयां तब तफसील से गहरी हुई भी नहीं थी उन गहराइयों में अपनी जोंक वाली उंगलियों से रास्ता बना रहे थे। क्या याद है आपको मुझे होश आ चुका था और मैं उन्हें धक्का दे रही थी, नहीं क्या कर रहे हैं आप, नहीं प्लीज मैं अम्मी को बता दूंगी, देखिए क्या कर रहे हैं आप, नहीं प्लीज मैं अम्मी को बता दूंगी, एक मिनट मैं अम्मी को बता दूंगी। ऐसा क्यों कहा था मैंने? मेरा दिल तो चीख चीख कर सिर्फ आपको पुकार रहा था, अब्बा अब्बा अब्बा। तभी मेरा दिमाग मुझे चांटा मारता, मेरी जबान चिल्लाती अम्मा अम्मा। क्या सुनाई दिया था आपको? नहीं क्या कर रहे हैं आप, नहीं प्लीज दर्द हो रही, प्लीज मत करिए, नहीं अम्मी अम्मी अब्बा प्लीज नहीं। तभी मेरा दिमाग फिर मुझे चाटा मार दो, मेरी जबान चिल्लाती अम्मा अम्मा अम्मा। क्या उस तब्दीलियत की आवाज आई थी आपको? कैसे एक ही रात में अम्मी को अम्मा बना दिया था मैंने, क्योंकि अब्बा का काम भी अब नहीं करना था। फट लात मारकर भागी थी मैं और दूसरे कमरे में खुद को बंद कर लिया था मैंने, और शायद आज तक उसी कमरे में बंद हूं मैं। कुछ पैदा हुआ था उस दिन, क्या एहसास हुआ था आपको? नफरत ने हल्के से दस्तक दी थी उस दिन, एक दिल टूटा था उस दिन, क्या भनक पड़ी थी आपको? 11 साल की लड़की तबाह हुई थी उस दिन, क्या खबर आई थी आपको? वो लड़की उसी कमरे में बंद 2 दिन तक रो रही थी, क्या आवाज आई थी आपको? एक सेकेंड आवाज आती भी तो कैसे? वो लड़की रोई ही नहीं थी, वो ना तब रोई थी, वो ना आज रोई है और ना ही कल रोएगी, क्योंकि वो लड़की आलिया थी, आपकी आलिया, आपकी नाजायज औलाद।
क्या याद भी है वो आलिया आपको? भला कैसे होगी, वो आलिया अब मर जो चुकी है। खबर लगी थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो सोचा खत लिख दूं, मगर लगता है बाकी सारे खतों की तरह ये भी अपना वजूद उस दराज में पाएगा। अपना ध्यान रखिएगा अब्बा, खुदा हाफिज़।